Students, I welcome you again to the chemistry class. As you know, we are doing atomic structure. And in the last lecture, I have told you and I have explained you how you can find out electronic configuration, how you can find out number of nodes, what are quantum numbers, what are the types of quantum numbers. There are four types: principal, azimuthal, magnetic and spin quantum number. So I can say that we are through with electronic configurations. You know how to fill the electrons, that how many orbitals are present in s orbital 1, in p orbital 3, in d orbital 5, and in f there are 7. And you are quite familiar with filling of electrons, that is electronic configuration, that electrons are first singly filled, then doubling takes place. So what we are going to do today we are going to write electronic configuration also, as well as we are going to find out some questions which are related to electronic configuration. So first question is, हम लोगों को पहले क्वेश्चन में बेटा कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, सोडियम प्लस के साथ दिया हुआ है, पोटेशियम भी प्लस के साथ दिया हुआ है, मैग्नीशियम भी दिया हुआ है हमें प्लस 2 के साथ, कैल्शियम दिया हुआ है हमको बेटा 2 प्लस के साथ, इसी तरह हमें सल्फर दिया हुआ है 2 नेगेटिव के साथ, और आर्गन दिया हुआ है. सो ये एलिमेंट हमको दिए हुए, ओके. सो हमसे पूछा क्या है, एक तो पूछा है जी इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के हमें दिखानी है. ओके फाइन, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका एटॉमिक नंबर भी लिखना पड़ेगा. लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे. फिर पूछा गया है कि इनमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी हैं. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो होती हैं बेटा जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. द स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं. सो पहले ही मैंने ऊपर ये ऑर्डर भी लिख दिया है. सो डोंट वरी, ये पूरा पेज मैं आपको लेक्चर में भेजने वाला हूँ आज. ऊपर मैंने ऑर्डर भी लिख दिया है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं. इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये. सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल होता है 1s, और सबसे ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल होता है 7s, और इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं. तो करें शुरू. तो पहले क्वेश्चन लिख लें. पहला क्वेश्चन है ए पार्ट, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द above mentioned ions and atoms. देखो बेटा, एक बात तो पक्की है कि इन सब में ये सारे आयन है, सिर्फ हमारा आर्गन है जो एटम है. आयन कब हो जाता है बेटा, आयन तब हो जाता है जब उसके पास कोई ना कोई चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, वो आयन हो जाता है. अगर तो पॉजिटिव चार्ज है, देखो 1, 2, 3, 4 स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये है कटायन. सो कटायन बनते हैं बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और एक स्पीशीज है जिस पे आपके पास -2 का चार्ज है, ये हमारा अनायन है, और अनायन बनते हैं बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इनके एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं. सोडियम का 11 होता है, ओके. उसके बाद हमारे पास होता है पोटेशियम. सोडियम 11, पोटेशियम हो गया बेटा 19 होता है. मैग्नीशियम का 12 होता है,
कैल्शियम का 20 होता है, सल्फर का 16 होता है, आर्गन का 18। ठीक है, सो ये आपको अपने माइंड में रखना है। तो मैंने नाम लिख नंबर डाल दिए, नंबर डालने के बाद मुझे अब ये भी पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन है। जितना आपको याद होगा, बहुत पहले आपको करवाया था, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। अब अगर आप सोडियम का एटॉमिक नंबर देखो 11 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। पर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको माइंड में रखनी है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन माइनस करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डाल के लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 16 है, 16 है और -2 का चार्ज है, तो 16 और 2 18, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैल्शियम में +2 का चार्ज है, सो यहाँ से अगर हम लोग 2 निकाल ले तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 18। होने चाहिए थे 20 इलेक्ट्रॉन पर हम 18 क्यों लिख रहे हैं? 2 माइनस हो गए। मैग्नीशियम में 12 होने चाहिए पर हम कितनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन? 10। पोटेशियम में 19 होने चाहिए पर हम कितने लिखेंगे? 18। सोडियम में 11 होने चाहिए पर हम कितने लिखेंगे? 10, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है। तो शुरू करें, तो सबसे पहले सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, ये बनेगी 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, दैट्स इट। 4s1 नहीं हमने करना है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। ऑर्बिटल के नीचे ऑर्बिटल आएगा, सिंगली फिल, डबली फिल, सिंगली फिल, डबली, फिर सिंगली, फिर डबलिंग, सोडियम हो गया। अब इसमें अब लिख लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 10, माइंड में रखना है इसको हमें। अच्छा, पोटेशियम आ गया, ये भी 19 है, इसका एटॉमिक नंबर पर इलेक्ट्रॉन इसमें 19 नहीं भरेंगे, 18 भरेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। तो बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18। 1s ऑर्बिटल के नीचे ऑर्बिटल बनाएंगे पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18। ओके, समझ आ रहा होगा, आई होप आप लोगों को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 12 है, साथ में +2 का चार्ज भी है, यानी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम माइनस कर दें तो 10 भरने, 1s2, 2s2, 2p6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10, इसमें भी 10 आ गए। तो वही ऑर्बिटल बनाने हैं, बार बार आपको इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको आदत हो और आप सीखें। सिंगली डबली, सिंगली इलेक्ट्रॉन भरने हैं, फिर डबलिंग स्टार्ट होगी। फिर आ गया जी हमारा कैल्शियम 2+, ये 20। अब ये 20 है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना, आपको मैंने बताया अभी। सो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए तो 18 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, क्योंकि जितना प्लस होता है उतने माइनस करने, जितना माइनस का चार्ज होगा उतने ऐड करने। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18 इसके पास भी, भर देंगे ऑर्बिटल बना देंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फिफ्टीन सिक्सटीन एटीन। ठीक है, अब हमारे पास आ गया बेटा सल्फर। सल्फर पे 2 माइनस का चार्ज है, 16 इसका एटॉमिक नंबर है। अब आप ध्यान से देखो एक बात कि -2 का चार्ज है, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
16 होते हुए भी 18 इलेक्ट्रॉन क्यों भर रहे हैं हम इसके अंदर? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, अनायन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए हैं? अगेन 18। तो हम इसको बना देते हैं ऑर्बिटल इसके। भर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। अब हमारा आ गया बेटा आर्गन। आर्गन तो आपको पता ही है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18 ही, 1s2, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 18 बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। हो गया। सो जी पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन था कि भी इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बताओ कौन कौन सी है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब वो वाले स्पीशीज बताओ जिनके पास सेम सेम इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास यहां पे बेटा दो एलिमेंट है जिनमें 10-10 इलेक्ट्रॉन आए, और चार स्पीशीज हैं जिसमें 18-18 आए हैं। तो देखते हैं, लिख देते हैं। एक तो हम लिख देते हैं सोडियम, 11 पॉजिटिव, सोडियम 11 पॉजिटिव, एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि इनके पास क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन्स ईच। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो लास्ट आ गया हमारा वो है जी बच्चों, एक तो आ गया पोटेशियम 19, फिर आ गया बेटा हमारा कैल्शियम 20, फिर आ गया हमारा सल्फर 2-, फिर आ गया हमारा आर्गन। ये सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, पोटेशियम कैल्शियम सल्फर 2- और आर्गन, क्योंकि इन सबके पास क्या है? 18 इलेक्ट्रॉन ईच। सो बच्चों ये मेरा टॉपिक था आज का। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है। सो ये एज इट इज पेज में आपको भेज रहा हूं। सो आपने यही क्वेश्चन दोबारा अपनी कॉपी में कर लेना यहां से। ठीक है। और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेना। अब हम आगे चलते हैं, छोटा सा एक टॉपिक और कर लेते हैं। वो आ गया मेरे पास कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं। नंबर 2 क्वेश्चन, एलिमेंट है भाई हमारे पास, एक तो है जी फास्फोरस, एक है हमारे पास आयरन 2 पॉजिटिव। फास्फोरस का 15 एटॉमिक नंबर दिया, आयरन का 26 दिया हुआ, और क्लोरीन, क्लोरीन का दिया हुआ है 17। कुछ नहीं करना, आपको ये बताना है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और फिर आपको ये बताना है कि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें बताने हैं, तो आइए करें। तो सबसे पहले लिखते हैं फास्फोरस बेटा। देखो थोड़ा आपके लिए इसको वाइड कर देता हूं। वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी थ्री, 15 हो गए। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। भरिए 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. सो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। चलो जी, फास्फोरस में तो 3 आ गए। अब जरा आयरन में देखते हैं, आयरन 2 प्लास्टिक 26 होता है। सो बेटा 18 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम एज इट ऐसे कर देते होते हैं। एआर ये 18, 18 आ गया। अब आगे भरा जाता है जी 3D और 4S। अब आपको पता है 18 के बाद 19, 20 हो जाएगा हमारा, 18 के बाद 19, 20, 4S2, 4S2 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी 6 बचे 3D6। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसने प्लस 2 बोला है ना, तो S में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 4S यहाँ पे 0 हो जाएगा और 3D6 ही रहेगा। तो आइए 3D के ऑर्बिटल बना के देख लेते हैं। 5 होते हैं D में, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट पे, क्लोरीन पे माइनस का चार्ज है, माइनस यानी एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें ऐड करना है। तो ये बन जाएगा हमारा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 को किसके बराबर हो गया ये? आर्गन के। फोर फाइव एंड सिक्स। सो अब क्लोरीन नेगेटिव में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो सारे ऑर्बिटल यहां पे फुली फिल्ड है। सो हम लिखेंगे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Cl नेगेटिव। सो ये मेरा आज का लेक्चर था, होप आपको समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी, सो कल हमारी सुबह मॉर्निंग में क्लास होगी, आई कैन रिजॉल्व योर क्वेरी, आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए अपना अच्छे से रिवीजन कर लेना, सारे काम को कॉपी में लिख लेना। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी हार्ड।